सर, जैसे आप समाज सुधार अभियान में लग रहे हैं, वहीं आपके घटक दल के नेता लोग एक तरफ बोलते हैं कि 10 बजे के बाद सब लोग करो, अगर शराबबंदी की बात की जाए तो। हाँ सर, इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं यहाँ है, हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ, और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने एक कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना लिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी NDA की मीटिंग हो रही थी, उस NDA की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प किए, और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर, इसी से लोग फोटो सब सर इसी से जुड़ा हुआ सब का फोटो है, सब हाथ उठाए अखबार में छपा है, तो उसके बाद कहीं कुछ बोलना है, हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, कहेंगे कि भाई इन सब चीजों पर कुछ बोलना उचित नहीं है, और बिल्कुल सब लोगों को कॉन्शस करिए, जागरूक करिए, और उसके लिए लोगों को करना, और हम बराबर कह रहे हैं, इसी पर जाएंगे फिर हम लोगों को बताएंगे कि आप जरा बताइए कि किस तरह से शराब पीने से कितना खतरा होता है आदमी के स्वास्थ्य, तो हम प्रचार करेंगे, लेकिन हम तो बराबर कहते हैं ना कि कुछ लोग तो आप जितना बढ़िया काम करिए सब उसको स्वीकार नहीं कर सकता, वो 10% के अंदर होता है, कोई 1%, 2%, 5% इधर उधर गड़बड़ करने वाला अलग अलग काम करता है, तो उसके लिए तो नहीं कर सकता, लोग तो चाहेंगे सबको जागरूक करने के। सर, आप अभियान पर भी निकल रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं रोज, जितनी शिद्दत से आप शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उतने ही शिद्दत से लग रहा है कि शराब के कारोबारी इसको असफल करने में लगे हुए हैं। आप जाते हैं DMCH में समीक्षा बैठक करके निकलते हैं, अगले दिन कार्टून की कार्टून गाड़ी जब्त होती है शराब की, तो विधानसभा हो, सेक्रेटरिएट हो या मुजफ्फरपुर, इस तरीके के आखिर लोग कौन है सर, आप इतनी समीक्षा कर रहे हैं? आप हम बता रहे हैं, कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, लेकिन लोगों को तो हम लोग सजग कर ही रहे हैं ना, और चारों तरफ हम देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पकड़ा, हम तो बराबर कह देते हैं अधिकारी कि राजधानी है पटना, यहाँ पर तो पूरा ध्यान दोगे तभी ठीक, यहाँ पर ध्यान कम दोगे तो नहीं होगा पूरा ठीक, इसलिए सबको कहते ही रहते हैं एक एक चीज़ को देखिए, लेकिन कितना भी करिए उसके खिलाफ तो कुछ लोग रहता ही ना है, और तरह तरह की बात करेंगे, कहीं कुछ हो गया तो उसी को लेकर के कुछ बोलेगा, तो जो मन करे बोले भाई, हम लोगों का उद्देश्य दूसरा कि लोगों को